तो स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग पे। फिलहाल मैं कर्नाटक के बीजापुर के यहाँ पे गोल गुमज के यहाँ पर, जिसे आदित्य ने बनाया था, और उसका जो ऊपर घुमट है, जो गोल है, भारत का सबसे बड़ा घुमट है और दुनिया में 2 नंबर पे है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है 7 आवाज आते हैं। जब आप कोई भी शब्द एक बार कहोगे तो उसके 7 बार आवाज आएंगे। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले टिकट निकाल लेते हैं। चलिए, ये अपना टिकट 25 रुपीज। चलिए आप चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो गाइस, जो बैग वगैरह जो भी अपना सामान है वो अंदर ले जा नहीं सकते हैं, यहाँ पे लगेज वहाँ पर रखना पड़ेगा। ಬರನೆ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಟೋಕನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಕೊಡನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಚಲಿಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ದೇನೆ ಬಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯೆಗಾ ಯೇ ಟೋಕನ್ ಮಿಲಾ ಹೈ ಅಬ ಫಿರ್ ಸೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ಚಲಿಯ यहाँ पर जो सिक्योरिटी यहाँ तक मैं आया था, उन्होंने बोला कि बैग वगैरह रखना पड़ेगा। बिगर मास्क यहाँ पर एंट्री नहीं है। ये है आगे गोल गुमज। गोल गुमज से पहले जो है ना वो म्यूजियम है, जहाँ पर पुराने ज़माने के हथियार हो गए, कपड़े हो गए या फिर बर्तन हो गए, वो सब रखा गया है। उसे देखने के लिए और एक अलग टिकट निकालना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जो शूट है वो शूट करना अलाउड नहीं है, इसके लिए उसका टिकट जो है मैंने निकल नहीं है। तो सिर्फ हम जो गोल गुमज है उसको देखेंगे, जिससे आदिल शाह ने बनाया था। तो यहाँ पे पानी की सुविधा है। एक्चुअली जो माइक है कॉलर में, उसको मैं नहीं लगाया क्योंकि वो वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। DSLR या फिर वीडियो कैमरा ले करते हैं तो उसके लिए अलग चार्जेस है, लेकिन मैं तो मोबाइल ही शूट करता हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन आज ना कल मुझे DSLR या फिर वीडियो कैमरा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। ये देखिए म्यूजिशियम, यहाँ पर पुराने ज़माने के वस्तु वगैरह है, इसके लिए अलग टिकट निकालना पड़ता है। इसके बिल्कुल पीछे है अपना गोल गुमज, इसे बाहर से देख लेते हैं क्योंकि अंदर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। ये देखिए यहाँ पर तोप है। और उस साइड भी है, चलिए वो भी देखेंगे। ये म्यूजिशियन के पीछे है ये गोल गुमज।
जो गोल गुम्बज उसके पास पहुंच चुके हैं, ये यहाँ से एंट्री है। ये देखिए यहाँ से चप्पल जो है उसे यहाँ पर उतारना पड़ता है। ये अंदर आने के बाद ये देखिए यहाँ से एंट्री है, और इसके जो पायरी है ना इतने ऊपर है कि नॉन स्टॉप इंसान ऊपर तक नहीं जा सकता, उसे रेस्ट बीच में लेना ही पड़ता है। ये अभी पहला जो स्टेप है वहाँ पर पहुँच चुके हम, अब जाएंगे और ऊपर। ये देखिए इसके पायल कितने 6 फाइनल अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो फाइनल ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर देखिए एंट्री है, ये लास्ट एंट्री है, इसके बाद खत्म। तो ऊपर से एक नज़ारा देखते हैं, तो चलते हैं अंदर। और अंदर जाने के बाद जो अपना चैनल का नाम है सोलापुरी व्लॉग्स, वो नाम लेते हैं और देखते हैं 7 आवाज आते हैं या नहीं। यह है एंट्री, ये अंदर जा रहे हैं हम। ये देखिए सबसे पहले नीचे का व्यू देखते हैं। ये देखिए नीचे का व्यू, यहाँ से हम आए हैं। चलिए एक बार अपना जो चैनल है उसका नाम लेके पुकारते हैं और देखते हैं रिकॉर्ड हो पाएगा नहीं, पता नहीं। सोलापुरी व्लॉग्स, सोलापुरी व्लॉग्स। तो दोस्तों 2 बार मैंने अपना चैनल का नाम लिया, अभी इसमें रिकॉर्ड हुआ या नहीं वो देखेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक बार मैंने ट्राई किया था। तो आप मुझे बताइए जो पुराने लोग थे, पुराने जमाने के लोग, उनकी टेक्निक सही थी या अभी जो फिलहाल है अपनी टेक्निक सही है? अभी तो सब कुछ एडवांस हो गया है, इसके बावजूद इतना मजबूत बांधकाम हो गया या फिर और भी चीज़ें हो गई, वो क्यों नहीं बन पाती है?
चलो, ये सारे जो दरवाजा है सब कन्फ्यूजन है, सब सेम टू सेम दिखता है। हमने जहाँ से एंट्री किया था उधर ही पहुँच चुके हैं, लेकिन आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। यहाँ पे का रास्ता लेकिन क्लोज है वो। तो नीचे जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। नीचे उतरना आसान है, लेकिन ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, दम लग जाता है, बाकी कुछ नहीं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी नीचे जा रहे हैं। तो अब नीचे जाने के बाद मेरा जो चप्पल रखा है वो लूँगा, उसके बाद बैग भी लेना है। बैग के बाद जाएंगे दूसरा सीन शूट करने के लिए, उसकी वीडियो अलग बनेगी। इब्राहिम रोजा है, उपले ब्रोज है, और इसके अलावा और दो तीन प्लेस है वो भी कवर करना है। तो फाइनली नीचे हम आ चुके हैं, जहाँ से हम आए हैं स्टार्टिंग में, जहाँ से मेन एंट्री है उधर से ही रिटर्न जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे है चप्पल, चप्पल लेंगे। ये यहाँ पे कागज़ है जो कि उन्होंने दिया है जाते समय, ये कागज़ देना है और चप्पल लेना है। पैसे ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, 5 रुपये। अब बचा अपना सिर्फ बैग, बैग लेना है। उसके लिए ये टोकन दिया है उन्होंने, बैग के पैसे देने बाकी है, और इसके अलावा जो हमने टिकट निकाला है इसकी भी जो 5 रुपये उनके पास है, क्योंकि उनके पास छुट्टा नहीं था, इसके पीछे उन्होंने मेंशन किया है। तो जो 5 रुपये टिकट वाले को देते हैं और 10 रुपये लेते हैं, उसी 10 रुपये को जहाँ पर हमने बैग रखा है उन्हें 10 रुपये देंगे और बैग लेंगे। सर 8 रुपये, ये 10 रुपये लिया है हमने, देखिए ये टोकन जो यहाँ पे देंगे और अपना बैग लेंगे। ये मिल चुकी है अपनी बैग। तो गाइस ये था अपने बीजापुर का गोल गुमत, जिसे आदिल शाह ने बनाया था। अगर चैनल पर नए तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।